जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मदनिश सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी फटाफट से सेशन को एक बार शेयर कर दें। तो देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा होता है? आपको आंसर करना है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो भी बच्चे सी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? चलिए, आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए, पीयूष ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसे मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहा जाता है। और एक प्रश्न बनता है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस को, ध्यान रखना है। तो पहले प्रश्न का आंसर सभी का सही आंसर है, मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब है 6 महीना। जो भी बच्चे बी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। चौथा प्रश्न है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान दीजिए, यहाँ पे भागलपुर में पूछ रहा है, और ऐसे नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, लेकिन भागलपुर में बताना है। तो याद कर लीजिए, चौथे प्रश्न का आंसर है महादेव लाल सराफ, ध्यान रखना है। श्री कृष्ण सिंह कौन थे? तो ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? चलिए, 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो याद कर लीजिए, प्रधानमंत्री को। बी ऑप्शन जिसका भी आ रहा है, आपका बिल्कुल सही जवाब है, प्रधानमंत्री को शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। छठा प्रश्न है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? चलिए, आप सभी 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और इस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ अगर आप लोग लूसेंट बुक से भी जीके जीएस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स का क्लास भी चलेगा, जो कि आपको डेली संडे वीकली करंट अफेयर्स का क्लास मिलेगा। तो आप सभी उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। तो हवा महल कहाँ अवस्थित है? बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, जयपुर में हवा महल स्थित है, ध्यान रखना है। और बेंगलोर की बात करें, तो बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। और दिल्ली में क्या है? तो कुतुब मीनार है। आपसे पूछेगा कुतुब मीनार कहाँ है, तो दिल्ली में है। और दिल्ली में किसका मकबरा है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए, प्रश्नों के साथ आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुने। इसमें मैक्सिमम प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिपीट होता रहता है, और जो प्रश्न आप भूलते हैं तो उसका रिवीजन हो जाता है। इसलिए आप सभी से बोलते हैं कि आप लोग फैक्ट को ध्यान से सुने, और एग्जाम में भी प्रश्न बनता है।
तो सातवें प्रश्न का आंसर है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। ये महात्मा गांधी का भारत में पहली बार सत्याग्रह था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं है? चलिए आठ के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए इसके लिए एक ट्रिक भी है, जो कि सभी को ये ट्रिक पता है, मित्र पर गमछा धार, मित्र पर गमछा झार। तो देखिए कौन कौन से राज्य है, तो टोटल आठ राज्य है जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो मी से आपका हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ध्यान रखना है। तो ये आठ राज्य है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं है, तो उड़ीसा नहीं है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको खासकर ध्यान रखें, एग्जाम में छप सकता है। तो देखिए गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, आसवन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। आसवन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये नील नदी पर स्थित है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, और नील नदी कहाँ से निकलती है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, अनुच्छेद 324 में, ध्यान रखना है। और वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है, ध्यान रखना है, कौन है, राजीव कुमार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो जो ही बच्चे सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता किया था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, वंदे मातरम जो है किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना था? देखिए वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, और वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है, और ये गीत किस आंदोलन का शीर्ष बना था, तो याद रखना है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में होती है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। आगे देखिए, और देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो 1920 में, और समाप्ति 1922 में, ध्यान रखना है। चंपारण आंदोलन 1917 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, सभी को ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में होता है, किसने किया था, तो ए ओ ह्यूम ने, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो डब्ल्यू सी बनर्जी बने थे। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं बदरुद्दीन तैयब जी, ध्यान रखना है। और प्रथम अंग्रेज प्रेसिडेंट पूछे तो जॉर्ज यूले, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं आपको बता देते हैं,
जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जॉर्ज यूले जो है प्रथम अंग्रेज प्रेसिडेंट बने थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निस्क से जाने जाते थे। तो अभी हमने आपको निस्क के बारे में बताया, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो प्राचीन भारत में निस्क से क्या जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण, याद रखना है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे स्वर्ण आभूषण होगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो 16 का आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं जमाली, ध्यान रखना है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। आगे देखिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। वाहिनी के संपादक कौन थे। तो 18वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे के रामकृष्ण पिल्ले को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। और देखिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न है, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कशेरुक रज्जु की बात की जा रही है, तो इसमें कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है, तो 31 जोड़ी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, ध्यान रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था, ये पूछा गया एग्जाम में है, तो 1905 में, ध्यान रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का पता लगाया था। मदन मोहन मालवीय की बात करें तो BHU की स्थापना इन्होंने बनारस में किया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप सभी जानते हैं, राष्ट्रगान के रचयिता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबल पुरस्कार कब मिला था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था। चलिए फटाफट से 21 के लिए आंसर बताएंगे, तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 1928 में पहली बार साइमन कमीशन भारत आया था। और 1928 में क्या हुआ था, तो आपको याद होगा, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1942 में क्या हुआ था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, किसे लघु मोहन जोदड़ो या लघु हड़प्पा कहते हैं। देखिए, आपसे ये भी पूछ सकता है कि मोहन जोदड़ो की खोज कब की गई, तो 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा, और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 22 का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन,
लोथल याद रखना है। लोथल कहाँ है? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। अगला प्रश्न, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? इस प्रश्न को पहले भी प्रैक्टिस सेट में कराया गया है, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद कर लीजिए, चिनाब नदी के किनारे मांडा है, भोगवा नदी के किनारे लोथल है गुजरात में, सिंधु नदी के किनारे क्या है तो मोहनजोदड़ो है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। आगे देखिए, भारतीय स्टेट बैंक को पूर्व में खाली स्थान के रूप में जाना जाता था। देखिए, ये प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको खासकर ध्यान रखें। तो हमने आपको पहले भी बताया था, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया? डेट भी याद रखना है, 1955 में। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। और भारतीय स्टेट बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। अगला प्रश्न है, तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? देखिए, तकलामाकन जो मरुभूमि है, ये एक शीतोष्ण मरुस्थल है, इसलिए ये प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। ये विश्व का एक शीतोष्ण मरुस्थल है, ध्यान रखना है। और तकलामाकन मरुभूमि जो है, ये किस देश में स्थित है? तो ये चाइना में स्थित है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी, और दूसरा पूछ सकता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है किस युद्ध में हुआ था? तो ध्यान रखना है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। और कहाँ होती है? तो याद रखना है, श्रीरंगपट्टनम में होती है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे थोड़ा सा कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। आगे देखिए, हाल ही में आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो देखिए, 27 का आंसर क्या होगा? गुजरात टाइटंस, ध्यान रखना है। हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया है? ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है, और जैसे कि आपको पता है, आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 30 नवंबर को, ध्यान रखना है, कब? 30 नवंबर को। आगे देखिए, हाल ही में किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया? ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखना है। तो किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। आगे देखिए, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है? तो देखिए, भारत में बजट निर्माण का कार्य जो है, ये वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कबीर दास ने अपना बचपन किस स्थान पर बिताया था? तो याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कबीर दास ने अपना बचपन जो है, ये बनारस में बिताया था। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए वन कौन से हैं? देखिए, अब तक तो ये प्रश्न आप लोगों को याद हो गया होगा, प्रैक्टिस सेट में इस प्रश्न को बहुत बार कवर कराया गया है। तो बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का,
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, देखिए सदाबहार वन नहीं होगा, तो आपको इस पॉइंट पे ध्यान रखना है। मैग्रोव वन पूछा जाता है, तो ये सुंदरवन डेल्टा में है मैग्रोव वन। आगे देखिए, तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। चलिए 33 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को ही तृतीयक क्षेत्र बोला जाता है। तो यातायात ये तृतीयक क्षेत्र में आएगा, सेवा क्षेत्र है, संदेश भी, व्यापार भी, लेकिन पशुपालन जो है ये सेवा क्षेत्र में नहीं आता है, ये कृषि क्षेत्र का हिस्सा है। और कृषि जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो ध्यान रखना है, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे मैथिल कोकिल कहा जाता है? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किसे मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो 34 का आंसर जो भी बच्चे विद्यापति को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, कौन करता है? और भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। और भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? इस तरह के प्रश्न एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है आयात निर्यात बंद। आगे देखिए, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? चलिए 37 के लिए आंसर दीजिए, गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है किस पर आधारित है? तो देखिए 37 का आंसर है बी ऑप्शन, न्यास पर आधारित है। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, भारत पाकिस्तान के बीच में क्या है? तो रेड क्लिप रेखा है। किस देश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे अधिक लंबा है? ये प्रश्न आई थिंक सभी को पता है, इसका सही जवाब है बांग्लादेश के साथ, लगभग 4096 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। और एक प्रश्न बनता है कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, ये आखिरी प्रश्न है। तो जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप सभी को पता है 28 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।